इन दोनों तस्वीरों में 26 साल का फर्क है, लेकिन शासन प्रशासन आम आदमी दुआ यही कर रहा है कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो कुछ घटा उसने मुल्क की सियासत और सांप्रदायिक सौहार्द की एक लंबी यात्रा को अभूतपूर्व मोड़ दे दिया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर उस दिन जो घटा वो कैसे घटा। सुबह 6 बजे कार सेवकों की भीड़ प्रतीकात्मक कार सेवा के लिए विवादित ढांचे के आसपास इकट्ठा होने लगी थी। पत्रकार भी पहुंचने लगे थे। ढांचे तक कोई ना पहुंचे इसके लिए पीएसी और संघ के स्वयं सेवक पहरे में मुस्तैदी से तैनात थे। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेता सुबह 10 बजे तक मौके पर पहुंचने लगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी कार सेवा की तैयारी देखने पहुंचे। सुबह 10:30 बजते रामकथा कुंज के मंच पर नेताओं का हुजूम इकट्ठा होने लगा। ये मंच उस जगह से महज 200 गज की दूरी पर था जो कार सेवा के लिए तय की गई थी। यहां संतों और नेताओं को पूजा करनी थी। देश भर से अयोध्या पहुंचे कार सेवक जोश और जुनून में नारे लगा रहे थे। इतने में ही करीब 11:43 पर 3 कार सेवकों को एक गुंबद पर चढ़ा देखा गया। उनकी देखा देखी भीड़ बेकाबू होने लगी और सुरक्षा घेरे को तोड़ डाला। 10-1 मिनट में ही संघ के महासचिव एचबी शेषाद्री ने मंच से 4-5 भाषाओं में कार सेवकों से अपील करनी शुरू कर दी कि वो ढांचे को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन गगनभेदी नारों के सामने उनकी आवाज सुनना ही मुश्किल हो गया। दोपहर 12:05 तक धार्मिक पागलपन में चूर कार सेवकों का हुजूम 3 गुंबदों पर चढ़ गया। इस दौरान ढांचे के पश्चिमी तरफ की एक इमारत की छत से यूपी के आला अफसर बेचारगी में खड़े सब देख रहे थे। 10 ही मिनट बीतते बीतते कार सेवकों के हाथ में हथौड़े, कुल्हाड़ी और नुकीले हथियार दिखाई देने लगे। कोई नहीं जानता था कि ये सब उन तक कैसे पहुंचा। देखते ही देखते गुंबदों को तोड़ा जाने लगा। इस दौरान तस्वीरें ले रहे पत्रकारों को पीटा गया, उनके कैमरे भी तोड़े गए। अब तक मंच से जोर शोर से भाषण दे रहे नेताओं की शांति बनाए रखने की अपीलें बेअसर हो गई। आखिरकार दोपहर 1:55 पर बाबरी के विवादित ढांचे के 3 में से 1 गुंबद को गिरा लिया गया। मलबे में करीब 25 कार सेवक दबकर घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ नेताओं के मुंह से एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो के नारों के बीच करीब 3:30 कार सेवकों ने दूसरा गुंबद भी जमीन दोज कर दिया। अब मुख्य गुंबद ही बचा था। हमला उस पर भी जारी था, जबकि अयोध्या शहर में भी दंगों की शुरुआत हो चुकी थी। शाम 4:49 पर कार सेवकों की भीड़ ने मुख्य गुंबद को नीचे की तरफ से तोड़ना शुरू कर दिया। उस पर तब तक वार किए गए जब तक वो भरभरा कर गिर नहीं गया। 5:00 वो भी आखिरकार धराशायी हो गया। घटनाक्रम तेजी से बदल रहा था। शाम 6:30 तक यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 15 मिनट में ही यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने, जिन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, अपना इस्तीफा दे दिया।